भारत देश विश्व तिगे नोड़ता है आ रीति मुंदे भारत देश इवत आर्थिकते सामाजिकते ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಬಾಳೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ದೇಶ, ನಾವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ದಿನ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಅತಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಬೃಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಚೀನ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎನ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಧುಬಲ್ ಬಾಯಿ ಅವರು ಮುರ್ಷಿದ್ ಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ.
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ 77th ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಿಜೆಎಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಜೆಎಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ आज ही के दिन हिंदुस्तान को आजादी मिली। आज ही के दिन दो मुल्क डिवाइड हुए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। आज डेवलपमेंट में अगर से आप देखेंगे हिंदुस्तान को एक सुपर डेवलप कंट्री भी हम लोग कह सकते हैं। बहुत दिनों पहले इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री था, मगर आज कंपैरिजन में देखेंगे चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मामला हो या इंटरनेशनल लेवल में ये आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट का मामला हो, आज ही के दिन दो मुल्क डिवाइड होने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि आज हिंदुस्तान किस लेवल पर जाकर डेवलप हुआ है। रिसेंटली हिंदुस्तान के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 जो लॉन्च किए, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज एजुकेशन किस लेवल पर जाकर है। आजादी के बाद बहुत सारे मुल्कों के नामों में जैसा नासा है, यूएस की एक सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में मानी जाती थी सैटेलाइट लॉन्च करने में, मगर आज हमारे हिंदुस्तान के एक डेवलप होने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लॉन्च किए हुए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे। तो इसी तरह एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी में मायने रखता है। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट पर जो है आपको और हमें मिलकर काम करना है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट का मामला हो। जब तक आप और हम दोनों मिलकर कानून के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को नज़र में रखकर जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा और इस मुल्क का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। कहीं पर भी कम्युनल के नाम पर, जात पात के नाम पर बढ़ावा ना देते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई के नारे से जो आज़ादी लड़ी गई थी उसी नारे को बरकरार रखते हुए आगे भी बढ़ना है। आने वाले दिनों में बहुत सारे चंद्रयान 3 जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क को ये बहुत ही सुपर पावर की शक्ल में दिखाना भी हमें जो है बहुत ज़रूरी है। आज के दौर पर आने वाले जनरेशन को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा इस माइक के जरिए और आज यौम आज़ादी के जरिए कि हिंदुस्तान को अगर डेवलप करना है तो हमें एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। जब तक एक जनरेशन एजुकेटेड होकर आगे की जनरेशन का एग्जाम्पल नहीं सेट करती, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते। अक्सर हमें यहाँ के एरिया में देखना पड़ता है कि मैक्सिमम ड्रग्स के या एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुब्तला हुए रहते हैं। अगर आप स्टेशन में जाकर देखेंगे, खासकर डीजेएनडी हो या केजेएनडी हो, बहुत सारे मामले ड्रग्स के बहुत से ज्यादा ऑफिसर्स को हैंडल करनी पड़ती है, जो सिर्फ इन घर वालों के लिए नहीं बल्कि पड़ोस और पूरे मोहल्ले के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। तो आने वाले दिनों में आपकी और मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, जहां पर भी हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज जो सोसाइटी के अगेंस्ट में चल रही है ऐसे एक्टिविटीज को इमीडिएटली एड्रेस करना और ऐसे एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी को समझते हुए फिर से एक बार मैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए हमारे ऑफिसर जो केजेहली पुलिस स्टेशन का है चंद्र पत्थर, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ। और हमारे यहाँ के साबिक कॉर्पोरेटर मालिमुत्तु अक्का के बेटे जो सुंदर अन्ना आकर ही, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम मेरी बात को सुनने वाले इनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक।